हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860। आज का वीडियो चालू करने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो आया था उसमें आपको एक करेक्शन करवाना था। भारतीय दंड संहिता अखिल भारतीय स्तर पर कब लागू हुआ, तो उसका डेट है आपका 1 जनवरी 1862। मैंने आपको 1860 लिखवाया था, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, 1862 है। 1860 को भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर वह लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को, ठीक। और देखिए, आप देख रहे हैं बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, एग्ज़ाम डेट काफ़ी पास है। हम एक बार में अब काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे, डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन काफ़ी अब थोड़ा फास्ट बताते जाऊंगा। क्या है, हर चीज़ों को अब एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे तो बिना फालतू का वीडियो लंबा बनेगा और समय की बर्बादी होगी। चीज़ों को थोड़ा फास्ट बताऊंगा, थोड़ा कैप्चर करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन हाँ, पूरा का पूरा कवर कराने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आपका अध्याय 4, जिसमें बताया गया है आपके सामान्य अपवाद के बारे में, मतलब कुछ अपवाद है भारतीय दंड संहिता के, उसके बारे में बताया गया है। इसमें है आपका धारा 76 से लेकर के धारा 106, धारा 76 से लेकर के धारा 106 तक का कवर होता है इसमें। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है ये जो आपका धारा 76 से 106 है, ये खुद दो पार्ट में बटा हुआ है। 76 से लेकर के आपका 95 तक पहला पार्ट है और फिर उसका 96 से लेकर के 106 तक ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए, सेक्शन नंबर 76 में बोलता है विधि द्वारा प्रदत्त। सबसे पहले ये समझिए, ये जो आपका 76 से लेकर के जो आपका 95 तक है, उसमें जो भी बताया गया है वो ऐसे अपवाद है जिसे किए जाने पर वह अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस है जिसे किए जाने पर वह अपराध में काउंट नहीं होता, यानी अपराध नहीं माना जाएगा। तो देखिए, पहले नंबर पर है आपका धारा 76, जिसमें बताया गया है विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल। पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट और की पॉइंट बता रहा हूं, यदि प्रश्न में आएगा तो आप इन की पॉइंट को ढूंढिएगा उस प्रश्न में, उसके आधार पर आप कौन सा सेक्शन पूछ रहा है उसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। धारा 76 बोल रहा है विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल, मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसे विधि द्वारा आबद्ध, यानी विधि द्वारा कोई कार्य सौंपा गया है, यह तथ्य की भूल होने के कारण यदि वह कोई कार्य करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। विधि द्वारा आबद्ध मतलब देखिए, मान लीजिए कोई आपका पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि वो एक बिल्डिंग है जो जिस पर अवैध कब्जा है, उसे जाकर के उसे जेसीबी से तुड़वा दो। अगर आप नॉर्मल केस में आप किसी के घर जाकर के उसके घर को तुड़वाएंगे तो वो एक अपराध है, लेकिन जो आपका एक पब्लिक सर्वेंट है जिसे गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है और वो जाकर के किसी बिल्डिंग को तुड़वा रहा है, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध है, उसे विधि द्वारा वह कार्य सौंपा गया है। तथ्यों की भूल, तथ्य की भूल मतलब मान लीजिए आपके किसी मोहल्ले में एक हुड़दंगा हो रहा है, एक राम नाम का एक लड़का है, राम अपने मोहल्ले में शराब पीकर के हुड़दंग कर रहा है, पुलिस को खबर मिली और पुलिस जाकर के वहां पर राम को पकड़ने के लिए गई, लेकिन राम के बदले किसी और व्यक्ति को उठा करके पुलिस ला ली। अब इसके कारण क्या हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाया तो असुविधा किसको हुई, उस दूसरे व्यक्ति को। तो इस केस में भी जो आपका पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का पुलिस अपराध नहीं कर रही है, यहां क्या हो रहा है, तथ्यों की भूल। तो ये जो पुलिस के जो तथ्य की भूल हुई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तथ्यों की भूल के कारण उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा, तो यह किसी प्रकार का अपराध नहीं कहलाएगा। यानी विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल के केस में किसी भी प्रकार का उसे अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 77, धारा 77 में बताया गया है न्यायाधीश द्वारा न्यायिक शक्ति। न्यायाधीश द्वारा जो उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, तो उसके द्वारा जो भी निर्णय आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उसे भी किसी भी प्रकार का आपका अपराध नहीं माना जाएगा। यानी जो सद्भावपूर्वक सद्भावना पूर्वक यानी गुड फेथ में जो निर्णय लिए जाते हैं या गुड फेथ में आपका जो आदेश दिए जाते हैं, वो भी आपके अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होते। मान लीजिए कोई एक न्यायाधीश है ना, जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का कोई जज है, उसने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है, ठीक, लेकिन वो जो मौत की सजा सुनाई है वो उसकी न्यायिक शक्ति है, तो उससे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान यदि किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए कहेगा तो वो अपराध कहलाता है, यानी वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी को मारने के लिए उकसा रहा है। लेकिन इस केस में 77 में जो है ये न्यायाधीश की न्यायिक शक्ति है, न्यायाधीश किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे सकता है, फांसी की सजा देने के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन वो अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे इस दंड संहिता के अंतर्गत न्यायिक शक्ति में काउंट किया जाएगा, ये अपराध में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका धारा 78, सेक्शन 78, जिसमें बताया गया है न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, यानी न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो उस आदेश मतलब सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के जज हो गए या आपके हाई कोर्ट के जज हो गए, उसने किसी व्यक्ति को आदेश दिया कि ऐसा काम करिए करके, और वह व्यक्ति कोई कार्य करता है, मतलब क्या बोल रहा है, न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने वाला व्यक्ति उस कार्य को करता है, तो उस कंडीशन पे भी उस पर अपराध काउंट नहीं होगा। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, अब उस व्यक्ति को जो फांसी की सजा देगा यानी उसे जो फांसी पे लटकाएगा व्यक्ति, वैसे पिक्चरों में एक्चुअली उसको बोलते क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिक्चरों में सुना है मैंने, उसे चंडाल कहा जाता है जो फांसी में लटकाता है किसी व्यक्ति को। अब हो सकता है कुछ और भी नाम होगा, अब आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, लेकिन मैं जहां तक सुना उसको चंडाल बोलते हैं, ठीक। तो वो जो है जो फांसी की सजा मतलब जो फांसी पर लटकाता है वो क्या कर रहा है, न्यायालय के आदेश का अनुसरण कर रहा है, तो न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझिएगा, थोड़ा चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें भी कवर कराने हैं। देखिए धारा 80 जिसमें दुर्घटना और दुर्भाग्य के बारे में बताया गया, दुर्घटना और दुर्भाग्य प्रत्याशा के विपरीत घटित होने वाली घटना, यानी कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो कि एक दुर्घटना या दुर्भाग्य है। देखिए इसको एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपने कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट रहा है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है, तो जो कुल्हाड़ी के जो सामने का जो नुकीला वाला हिस्सा है, जो कुल्हाड़ी है, जो लोहे का औजार जो रहता है, मान लीजिए वो ढीला हो गया और कुल्हाड़ी से काटते काटते उसका ऊपर का पोर्शन जाकर के किसी व्यक्ति को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये क्या है, दुर्घटना या दुर्भाग्य है। उस जो कुल्हाड़ी से जो काट रहा था व्यक्ति, उसका इंटेंशन नहीं था कि वो सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर दे, ये एक प्रकार की दुर्घटना है या दुर्भाग्य है, ठीक। तो ये क्या है, प्रत्याशा के विपरीत हुआ है, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, पेड़ काट रहा था, लेकिन उस कुल्हाड़ी के सामने का हिस्सा जाकर के उस दूसरे व्यक्ति के सिर पे लगा और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाला व्यक्ति अपराधी होगा, ये काउंट होगा आपका दुर्घटना या दुर्भाग्य के अंतर्गत, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 81 जिसके अंतर्गत बताया गया दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाने, दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाने के लिए किए गए कार्य, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हानि ना हो, हानि ना पहुंचे, तो उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं वो भी उसके भी अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति कार चला रहा है और उसके कार का ब्रेक फेल हो गया, अब गाड़ी रुक नहीं सकती। अब समझ लीजिए सामने एक बारात जा रही है, फुल डीजे साउंड, डीजे में आपके नाच गा करके वो लोग जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे ये व्यक्ति कितना भी हॉर्न बजाएगा तो सामने वाले को सुनाई नहीं देने वाला, कम से कम 20-25 लोगों की वहां पे भीड़ है और एक साइड एक व्यक्ति है जो साइकिल पकड़ के अपने रास्ते जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन पर है कि वो सामने या तो 30 व्यक्ति जो डीजे में डांस कर रहे हैं उनको ठोके, या तो साइड में जो आपका आदमी साइकिल लेके जा रहा है उसको ठोके, तो इस कंडीशन में क्या है, जो दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो ड्राइवर है वो साइकिल से जो व्यक्ति जा रहा है उस तरह अपनी गाड़ी मोड़ देता है और वो साइकिल से साइकिल सवार की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उसे अपराध में काउंट नहीं किया जाएगा। गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ वो क्या है, दुर्घटना या दुर्भाग्य है। अब 30 व्यक्तियों को बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति की हत्या हो रही है, मतलब ज्यादा हानि को रोकने के लिए थोड़ी कम हानि, तो वही है दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो भी अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट है आपके शिशु के कार्य जिसे बताया गया है धारा 82 के अंतर्गत। देखिए शिशु जो कि एक बच्चा है जो कि 7 साल से कम आयु का यदि कोई बच्चा है उसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसे अपराध में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 7 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे और बुरे का कोई भी उन्हें नॉलेज नहीं होता, तो उनके द्वारा कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया जाए उन्हें किसी भी प्रकार का सजा देने का प्रावधान इस दंड संहिता के अंतर्गत नहीं है, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर है 83 यदि उसी शिशु की आयु आपके 7 से 12 वर्ष के बीच में है तो उस कंडीशन में जिस परिस्थितियों में उसने आपके कोई अपराध किया है, किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया है और उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, मतलब 7 से 12 साल के बीच में हर बच्चों का जो है नेचर अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि उस बच्चे का नेचर क्या है या उसका प्रकृति क्या है या किस परिस्थिति में उसने इस अपराध को अंजाम दिया, उसके हिसाब से इसमें दंड का प्रावधान है। वैसे तो बाल सुधार गृह में भेजा जाता है आज के केस में, तो याद रखिएगा 7 साल से कम आयु का है तो उस कंडीशन पे उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, और 7 से 12 साल के बीच में यदि उसकी उम्र है तो उसकी नेचर, प्रकृति और किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया उसके आधार पर सजा दिए जाने का प्रावधान है, ठीक।
सेक्शन नंबर 84 जिसमें बताया गया है पागल और उन्मुक्त व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है यानी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, पागल है यह, और उसके अलावा क्या है उन्मुक्त है, उन्मुक्त व्यक्ति है मतलब वही सेम पागल के केस में, तो यदि कोई पागल व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, किसी पागल व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे भी इसमें आपकी छूट प्रदान की, छूट बोला है मुक्त, उसमें उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध के लिए उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, इस भारतीय दंड संहिता में ये मेंशन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका धारा 92 जिसमें बताया गया है दूसरों के हित के लिए विधिपूर्ण कार्य, दूसरों के हित के लिए यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करता है, विधिपूर्ण कार्य करता है किसके लिए, दूसरों के हित के लिए यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करता है और उस बीच में यदि कोई आपकी दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना या उसके द्वारा कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं हो गए। इसका एग्जाम्पल है आपके डॉक्टर, डॉक्टरों को इसके अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। मान लीजिए जैसे क्या है, डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है, अब डॉक्टर के ऑपरेशन करने के दौरान क्या होते हैं किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो किसी भी प्रकार का अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। ये जो आपका सेक्शन नंबर 92 है ये स्पेशली डॉक्टरों के लिए ही बनाया गया है, डॉक्टरों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। क्या बोल रहा है, दूसरों के हित के लिए विधिपूर्ण कार्य करने की स्थिति में, दूसरों के हित के लिए विधिपूर्ण कार्य करने की स्थिति में यदि कोई अपराध होता है तो अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। ठीक, देखिए बोलते समय मेरा थोड़ा जबान लड़खड़ा रहा होगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, धाराएं बहुत सारे हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 96 में बताया गया है आपका निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। आपका धारा 96 जो है वो आपको सेल्फ डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी ऐसी अगर देखिए क्या होता है कि आपकी रक्षा के लिए सरकार ने पुलिस सैनिक है ना, ये सब पुलिस की आपकी मशीनरीज है, सॉरी सरकार की मशीनरीज है, सरकार ने पुलिस को नियुक्त की, पुलिस की नियुक्ति की है, सैनिकों की नियुक्ति की है, क्यों, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए। लेकिन पुलिस और सैनिक हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। अब मान लीजिए किसी आपके शादी के समारोह में कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, या किसी पब में या किसी बार में झगड़ा लड़ाई हुआ, तो पुलिस को जब तक सूचना मिलेगी नहीं तब तक तो पुलिस आएगी नहीं, तो पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। तो जिन जगहों पर पुलिस मौजूद नहीं रह सकती उस जगहों पर आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान है, मतलब सेल्फ डिफेंस का आपको अधिकार प्रदान है। देखिए सेल्फ डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा किस कंडीशन में होगा, आपके शरीर व संपत्ति की रक्षा का अधिकार है। शरीर या संपत्ति, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या आपके संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उस कंडीशन पे आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक, धारा 96 क्या दे रहा है, आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान कर रहा है। लेकिन धारा 99 ठीक सेक्शन 99 जो कि आपको बता रहा है कि किन किन परिस्थितियों में आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान नहीं होगा, यानी निजी प्रतिरक्षा किस किस जगहों पर आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे ये बता रहा है। देखिए एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि गुड फेथ में अपनी ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी और गुड फेथ में यानी सद्भावना पूर्वक अपने जो उसे कार्य सौंपे गए हैं उस कार्य को कर रहा है और उससे यदि आपके शरीर को या फिर आपके संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस कंडीशन पे आपका ये निजी प्रतिरक्षा का जो आपका अधिकार है वो मान्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको जो कार्य सौंपा गया है वह वो कार्य कर रहा है लेकिन कैसे, गुड फेथ यानी सद्भावना पूर्वक कर रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पब्लिक सर्वेंट आया, पब्लिक सर्वेंट आपको खींच तान के आपका जो प्रॉपर्टी है जो उसे बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने अवैध कब्जा करके रखा है तो अवैध कब्जा है, तो एक पब्लिक सर्वेंट है मान लीजिए पुलिस है, उसको ऑर्डर मिला है कि जो अवैध कब्जा है तो आप उसको बेदखल कर दीजिए। ठीक, तो आपको आपके अवैध कब्जे से बेदखल करने के लिए पुलिस वाला आया तो आप ये सोचेंगे कि मुझे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है तो आप पुलिस वाले से हाथापाई करने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं है। इसमें सीधा सीधा मेंशन है कि पब्लिक सर्वेंट जो कि गुड फेथ में और ऑन ड्यूटी है तो उस कंडीशन पे आपके जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है वो शून्य हो जाता है। सेकेंड, पर्याप्त समय टू कॉल पब्लिक सर्वेंट, मतलब आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट को बता सके। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कॉल आया, उसने फोन करके आपको एक व्यक्ति धमकी दे रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, तेरी को जान से मार दूंगा, ऐसे करके आपके पास फोन आया, आ रहा हूँ तेरे को जान से मार दूंगा करके। अब आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप पुलिस के पास खबर कर सकते हैं,
ठीक, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक है आने दे उसको, मेरे पास ही बंदूक है, जैसे ही दरवाजा खोलेगा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट में यहाँ पे पुलिस की बात की जा रही है, तो आप पब्लिक सर्वेंट को इसके बारे में खबर करेंगे, ठीक। अगर पर्याप्त समय नहीं है तब आप अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं या अपने बचाव में सामने वाले को मार सकते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको पब्लिक सर्वेंट या पुलिस को फोन करके उसकी खबर देनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट है आपके अफहानी से अधिक अफहानी, अफहानी से अधिक अफहानी मतलब इसे भी समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपका और एक दूसरे व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया, ठीक, आपको एक व्यक्ति ने एक झापड़ मार दिया, आपके पास एक बंदूक है, आपने बंदूक निकाला और व्यक्ति को गोली से ही मार दिया, यहां क्या हो रहा है, हानि से अधिक अफहानी, उसने आपको एक झापड़ मारा, आपने बंदूक निकाल के उसे सीधा गोली से ही उड़ा दिया, यानी उसे जान से ही मार दिया, ये क्या है, एक्सट्रीम लेवल एक्सीड हो गया, ठीक, वही बता रहा है अफहानी से अधिक की अफहानी, झापड़ के बदले आप उसे लाठी से मार दीजिए या झापड़ ही मार दीजिए, ऐसा नहीं कि बंदूक निकाल के आपके बंदूक से मार देंगे। इस समय भी यदि आपके क्या है, जैसे आपके ऊपर अपराध दर्ज होता है तो आपका कंडीशन देखा जाएगा किन परिस्थितियों ने आप किन परिस्थितियों में आपने उस पर गोली चलाई, यानी वो आपके अफहानी से अधिक की अफहानी नहीं होनी चाहिए, तो इन परिस्थितियों में आपकी निजी प्रतिरक्षा का जो आपका अधिकार है वो शून्य हो जाता है, ठीक। अब देखिए धारा 100 सेक्शन 100 काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, ये क्या है, देखिए अब जैसे कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, आपको एक व्यक्ति ने एक झापड़ मारा, आपने सेल्फ डिफेंस में उसे आपने दो झापड़ और मार दिए, ये क्या है सेल्फ डिफेंस, हाथापाई हुई, इसमें केस किस पर दर्ज होगा, जिस व्यक्ति ने पहले आपको मारा, ठीक, आपने तो निजी प्रतिरक्षा में उसे मारा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे निजी प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु हो जा रही है, ठीक, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति जो आपको मारने आ रहा है तो आप अपनी निजी प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को जान से ही मार दे रहे, वो कौन सा केस होगा, भारतीय दंड संहिता में कुल 7 ऐसे केस बताए गए हैं जिस कंडीशन में आप सामने वाले को जान से मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं मतलब वो परिस्थिति के बारे में बताया गया किन परिस्थितियों में यदि हमलावर की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन पे आप पे अपराध दर्ज नहीं होंगे। देखिए मृत्यु यानी सामने वाला व्यक्ति आपको जान से मारने ही आ रहा है, मतलब एक व्यक्ति आपको तलवार मारने के लिए, तलवार से आपको जान से मारने के लिए ही आ रहा है, तो उस कंडीशन पर आप बंदूक निकाल के उसको पहले ही मार देंगे तो वो केस माना जाएगा कि आपने निजी प्रतिरक्षा में सामने वाले हमलावर की मृत्यु कर दी, मतलब उसे मार दिया। घोर अपहति मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको लूड़ा लंगड़ा करने, आपको अंधा करने ही आ रहा है तो उस कंडीशन में हाथापाई में या धक्का मुक्की में सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, यानी हमलावर की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी निजी प्रतिरक्षा में यदि हमलावर की मृत्यु हो रही है तो आप पे किसी प्रकार का आपका अपराध नहीं होगा। 3 और 4 बलात्संग और आपका काम तृष्णा, बलात्संग और काम तृष्णा दोनों एक ही चीज है, ये है आपका रेप यानी बलात्कार रेप केस। इस कंडीशन पे भी यदि आपके रेप अटेम्प्ट होते हैं और किसी लड़की के द्वारा आपका जो हमलावर है उस पर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर यदि लड़की ने हमला कर दिया और हमलावर की मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन पर भी वो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। व्यपहरण और अपहरण, यदि किडनैपिंग के केस में भी यदि आपको कोई किडनैप करके ले जा रहा है, किसी लड़की को कोई किडनैप करके ले जा रहा है और लड़की ने उस किडनैपर को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होता। 6th नंबर पर है तेजाब, जैसे आप सभी को मालूम है आपका एसिड अटैक हमारे भारत में बहुत बढ़ चुके थे, अभी तो फिलहाल बहुत कम हो गया है, तो एसिड अटैक के केस में, एसिड अटैक में क्या है, किसी लड़कियों पे एसिड अटैक ज़्यादा होते हैं, यदि एसिड अटैक होता है तो एक जिस व्यक्ति पे एसिड अटैक हो रहा है उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद समझी जाती है, तो उस केस में भी यदि एसिड अटैक हो रहा है तो उस केस में भी यदि जो जिसके ऊपर एसिड अटैक होने वाला है वो हमलावर को यदि मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन पर भी उस अपराध दर्ज नहीं होंगे। एक 7वां केस और है, वो भी लगभग किडनैपिंग से मिलता जुलता है, यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसे जगह पे कैद कर दे रहा है जिस जगह पर कैद होने के बाद आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक प्राधिकारी को सूचित नहीं कर सकते तो उस कंडीशन पर भी आप कि उस व्यक्ति या हमलावर को यदि मारते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप पे अपराध दर्ज नहीं होगा। तो टोटल 7 केस है, 7ों केस इंपॉर्टेंट है और इन केस में एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप निजी प्रतिरक्षा में स्वयं हमलावर को मार रहे हैं, स्वयं हमलावर को मार रहे हैं और वो हमलावर की मृत्यु हो जाती है तो आप पे अपराध दर्ज नहीं होगा। इसके अलावा आसपास का कोई भी व्यक्ति यदि देख रहा है कि आपके ऊपर हमला हो रहा है, कोई हमलावर मुझे मारने के लिए आ रहा है और साइड में खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि मुझे मारने के लिए वो व्यक्ति आ रहा है और मेरे दोस्त ने ही उस हमलावर को मार दिया,
तो उस केस में भी जो मेरे दोस्त ने उस हमलावर को मारा वो भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो मेरा है, लेकिन यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त ने उस व्यक्ति को मारा, तो उस कंडीशन पे मेरे दोस्त पर भी आपका किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं होगा, उसने मेरे जान बचाने के लिए उस हमलावर को मारा। वैसे ही रेप केस में या आपके एसिड अटैक में यदि हमलावर को, जैसे आपका हमलावर को जो एसिड फेंकने के लिए आ रहा है उसे साइड में खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति पहले से ही जाकर उसे मार देता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी आपकी निजी प्रतिरक्षा, तो जिसके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है वो तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसका है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है उस हमलावर को, तो उस पर भी आपका किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए वो ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन 103 धारा 103 जिसमें संपत्ति के प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए 96 में आपके शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब संपत्ति की प्रतिरक्षा के केस में अगर कोई ऐसे मृत्युकारित, मतलब ऐसे ही टाइप का अगर कोई आपके घर में कोई चोर घुसा है और आप उस पर अटैक करते हैं और उस चोर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ आपके यहाँ पे मतलब टाइप्स दिए गए हैं, किस कंडीशन पे यदि चोर की मृत्यु होती है तो उसके विरुद्ध आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। देखिए पहले नंबर पर लूट यानी रॉबरी, रात्रि गृह भेदन यानी रात को कोई आपका चोर आपके घर में घुस रहा है, अग्नि दृष्टि यानी आपके संपत्ति को जला करके नष्ट करने के फिराक में है, चोरी या गृह अतिचार, ये चार केस मेंशन है। लेकिन इन चारों केसों में जब तक आप पे जान की संकट, जान संकट की स्थिति पे ना आ जाए, यानी आपका जो चोर घुसा है चोरी करने के लिए घुसा है, लेकिन आपको देख के चोर यदि भाग रहा है वापस, लेकिन आप उसे बंदूक निकाल के मार दिए, तो उस कंडीशन पर आप पे अपराध दर्ज होगा। लेकिन चोर अगर कोई चक्कू लेकर के आया है या खुद बंदूक लेकर के आया है, आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, अगर हल्ला किया तो मैं आपको जान से मार दूंगा ऐसे टाइप का अगर बोल रहा है, तो उस कंडीशन पर भी आप अपनी जान बचाने के लिए उस हमलावर के ऊपर हमला कर सकते हैं या उस चोर के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस परिस्थिति में यदि वह चोर की मृत्यु होती है तो आप पे किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। तो यह है आपका जो सामान्य अपवाद यहां समाप्त होता है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 5 दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण एक होता है प्रेरण जिसमें आपका मोटिवेशन दिया जाता है, दुष्प्रेरण मतलब गलत तरीके से किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना। देखिए सेक्शन नंबर है आपका 107 जिसमें बताया गया दुष्प्रेरण की परिभाषा। दुष्प्रेरण देखिए, दुष्प्रेरण मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उस व्यक्ति को उकसाना, मतलब आप स्वयं अपराध नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहे हैं कि जाके उस अपराध को कर। देखिए इसमें क्या है, धारा 107 में आपका दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। दुष्प्रेरण किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए तीन प्रकार से उकसाया जा सकता है, इसे प्रकार ही बताया गया। एक तो उत्प्रेरित, किसी व्यक्ति को उकसाए मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, आप ही लोग से मिलता जुलता एग्जांपल ले रहा हूँ, इसे समझिएगा, आसान शब्दों में समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी किसी प्रकार से आपका इसको लेकर के मुद्दा मत बनाना। देखिए यहाँ पे हम कपल्स की बात कर रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है और उनका एक दोस्त है, ठीक। अब मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा घुमा रहा है, आपका दोस्त इधर से आया और आपके उसने देखा कि आपकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा लड़का घुमा रहा है, तो आपका दोस्त है इधर से आके आपको बोलेगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उस जा करके उसके हाथ पैर तोड़ देता, उसे इतना मारता कि वो उठ भी नहीं पाता। मतलब यहाँ क्या है, आपका दोस्त आपको उकसा रहा है, सामने वाले के मारने के लिए आपको क्या कर रहा है, आपको उत्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, वो अपराध कर नहीं रहा है लेकिन आपको अपराध करने के लिए उकसा रहा है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसको हाथ पैर तोड़ देता या उसे जान से मार देता, ठीक। तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो दुष्प्रेरण कहलाएगा। षड्यंत्र के केस में कैसा है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, मतलब समझ लीजिए राम है, राम की अपने पिता की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, ठीक। तो जो राम का दोस्त है वो बोलता है कि ठीक है मैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसमें अपने गलत तरीके से अपने पिताजी का साइन ले लेना, प्रॉपर्टी तेरे नाम पर हो जाएगी। तो ये क्या है, षड्यंत्र हो रहा है। उत्प्रेरित किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। षड्यंत्र के केस में दो व्यक्ति का होना जरूरी है, देखिए इसे याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक व्यक्ति दो व्यक्ति ये दिया हुआ है बुक में, इसलिए समझा रहा हूँ। तो उत्प्रेरित, षड्यंत्र, सहायता, फिर से वही कपल वाला एग्जांपल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक। तो आपके दोस्त आपके पास आया और आपको बताया कि देख तेरी गर्लफ्रेंड को लेकर कोई दूसरा लड़का घूम रहा है, मैं रहता तो उसे जान से मार देता, ऐसा कर मेरी कार की चाबी ले और एक कार ले जा करके उसके ऊपर चढ़ा दे। मतलब क्या कर रहा है, ये अपने दोस्त की मदद कर रहा है, दोस्त की मदद क्या कर रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि उसको जाके जान से मार दे। तो इस केस में क्या है, आपका दोस्त आपको कार दे रहा है, मतलब सहायता कर रहा है कि जाके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, ठीक।
देखिए एग्जाम्पल बताने के लिए ऐसा सब उदाहरण दे रहा हूँ ताकि दिमाग में बने रहे, ठीक। तो इसको किसी प्रकार के गलत चीज़ से इसको जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। तो सहायता, समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 108। धारा 108 में आपके दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया, मतलब जो मैंने आपको केस बताया, आपका दोस्त जो आपको भड़का रहा है तो आपका दोस्त कहलाएगा दुष्प्रेरक। मतलब जो व्यक्ति दुष्प्रेरित कर रहा है, अपराध करने के लिए आपको दुष्प्रेरित कर रहा है, वो व्यक्ति कहलाएगा दुष्प्रेरक, ठीक। दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है 108 में। अब देखिए जो व्यक्ति अपराध करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करने के लिए आपको उकसाएगा उसके लिए भी इस कोड के अंतर्गत, इस संहिता के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। धारा 109 जिसमें बताया गया है दुष्प्रेरक के लिए दंड, देखिए इसमें बताया गया है कि यदि संहिता, इस संहिता के अंतर्गत किसी भी जगह पर यदि इस संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरक के लिए जो दंड है वो कवर नहीं हो पाता, यानी संहिता के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि दुष्प्रेरक के लिए किस सजा का प्रावधान है, तो उस कंडीशन में जो अपराधी को जो सजा मिलेगी, अपराधी को जो सजा मिलेगी वही सजा आपके इस दुष्प्रेरक को मिलेगी। मतलब जैसे मैंने बताया आपका दोस्त आपके पास आकर के बोला जा उसको जान से मार दे, जान से जाकर के आपने उस लड़के को मार दिया, तो इस कंडीशन में मान लीजिए ये जो आपका भारतीय दंड संहिता है उसमें किसी भी प्रकार से आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सजा कौन सा दिया जाए आपके दोस्त को। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त दुष्प्रेरक है, कौन सा सजा दिया जाए ये इसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन पे आपने जाके उसकी हत्या की तो आपको जो सजा मिलेगी वही सजा इस दुष्प्रेरक को मिलेगी, ठीक। यानी इस संहिता के अंतर्गत यदि स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन सा सजा दिया जाए या कौन सा सजा का प्रावधान है करके, तो उस कंडीशन में आपका अपराधी को दिए जाने वाली सजा ही दुष्प्रेरक को दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका धारा 5 बताया गया है। देखिए आप सभी को मालूम है कि अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग प्रकार के दंड का प्रावधान है, पिछले ही वीडियो में हम देख चुके हैं, मृत्यु है, कारावास है, आजीवन कारावास है, संपत्ति संपहरण है, जुर्माना है, ठीक। वैसे ही है आपका धारा 115, इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपने कोई कोई अपराध किया, एक अपराध किया गया एक व्यक्ति के द्वारा, चलिए एक व्यक्ति के द्वारा एक अपराध किया गया, उस अपराध की सजा क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास है। एक व्यक्ति के द्वारा एक अपराध किया गया उसकी सजा क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास। लेकिन उस व्यक्ति को वह अपराध करने के लिए जिसने उकसाया मतलब यह दुष्प्रेरक, उसे सजा मिलेगी 7 साल प्लस जुर्माना। मतलब देखिए आपका दोस्त आपके पास आया और बोला कि जाके अगर मैं तेरी जगह रहता तो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देता या उसे जान से मार देता, यानी आप जाकर के उस लड़के को जान से मार दिए, तो यदि आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा दंड का प्रावधान है इस संहिता के अंतर्गत, आपके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का प्रावधान है। लेकिन आपका दोस्त जिसने आपको भड़काया, यदि यह आपका कोर्ट में साबित हो जाता है कि मैंने इसके कहने पे ये चीज़ की है, तो उस कंडीशन पे आपके दोस्त को भी 7 साल की सजा और जुर्माना होगा, ठीक, क्योंकि उसने आपको भड़काया है, उसने आपको उकसाया था कि ये क्राइम कर करके, ठीक। नेक्स्ट है आपका धारा 116 जिसके अंतर्गत आपके कारावास, मान लीजिए आपके मतलब कोई ऐसा अपराध आपने किया जिसके लिए कारावास, मतलब सादा कारावास और कठोर कारावास, ऐसे कारावास का प्रावधान है, नॉर्मल कारावास। पहले हमने क्या देखा, मृत्यु और आजीवन कारावास, अभी क्या है, नॉर्मल कारावास, मतलब 7 साल की सजा, 5 साल की सजा, ऐसे अगर कारावास का प्रावधान है तो उस कंडीशन पर क्या है, जो अपराधी को जितने भी समय का कारावास होगा उसका 1/4 कारावास आपके उसको उकसाने वाले यानी दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को होगा। मतलब आपका दोस्त आपके पास आया, जा उसे मार, उसके हाथ पैर तोड़ दे, आपने उसका हाथ पैर तोड़ दिया, आप गए, मतलब आप क्या कहलाए, अपराधी कहलाए, तो आपने अपराध किया तो मान लीजिए आपको 8 साल की सजा हुई, लेकिन आपका दोस्त जिसने आपको उकसाया तो उसे भी सजा होगी, कितना, 1/4, 8 साल का 1/4, मतलब 2 साल की सजा उसे भी होगी। क्यों? क्योंकि वो दुष्प्रेरक है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। राज्य के विरुद्ध, यहाँ पर राज्य में आपका भारत की भी बात हो रही है और दूसरा राज्य की भी, जो नॉर्मल आपके स्टेट है उसकी बात हो रही है और पूरे के पूरे कंट्री की भी बात हो रही है, ठीक। इसमें सेक्शन कवर हो रहा है आपका 121 से लेकर के 130 तक।
ठीक, देखिए धारा 121 में बताया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है तो उस कंडीशन पर उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। ठीक, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, किसी दूसरे देश के साथ शामिल होकर के भारत सरकार के विरुद्ध वह युद्ध में शामिल होता है या युद्ध करने के लिए किसी को प्रेरित करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है तो उस कंडीशन पर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है इस संहिता के अंतर्गत। इसी 121 के अंतर्गत दो सेक्शन और है, धारा 122, धारा 123। धारा ये मतलब इसी से मिलते जुलते लिंक है आपस में। धारा 222 में बताया गया है शस्त्रों का संग्रह, शस्त्रों का संग्रह मतलब ये भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में कोई व्यक्ति हथियारों का संग्रह इकट्ठा करके रखा है तो उस कंडीशन पे। दूसरा धारा 123 जिसमें युद्ध की धारणा सुलभ को छुपाने की स्थिति में, यानी कोई व्यक्ति है, यानी समझ लीजिए कोई आतंकवादी है, आतंकवादी भारत में एक बहुत बड़े आपके आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला है और किसी व्यक्ति ने उस आतंकवादी को अपने घर में छुपा करके रखा है तो उस केस में भी ये दोनों केस शस्त्रों का संग्रह और 10 साल की शस्त्रों का संग्रह और युद्ध धारणा सुलभ को छुपाने के कंडीशन में 10 साल की सजा का प्रावधान है। पहला केस धारा 121 जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई युद्ध करता है तो उसमें आजीवन कारावास है, 122 123 शस्त्रों का संग्रह करता है या युद्ध की धारणा सुलभ करने वाले व्यक्ति को छुपाता है तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 124 राष्ट्रपति राज्यपाल के शक्ति निष्पादन में अवरोध पैदा करना, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है, ठीक, विधि द्वारा जो शक्ति प्राप्त है तो उसके शक्ति के जो निष्पादन में यदि आप किसी भी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं तो उस कंडीशन में सजा का प्रावधान है। ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति निष्पादन में अवरुद्ध पैदा करने की स्थिति में 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ठीक, मतलब इसमें आप ये जो केस देख रहे हैं अध्याय 6 में किस किस कंडीशन में कितने कितने समय की सजा है उसके बारे में गया है। नेक्स्ट है धारा 124। धारा 124 में भारत सरकार के प्रति घृणा व अवमान, भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान करने की स्थिति में सजा का प्रावधान। यदि आप भारत सरकार के प्रति किसी भी प्रकार के घृणा या अवमान लिखित में, शब्दों में या संकेतों के माध्यम से करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आजीवन कारावास की सजा या 3 साल की सजा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार से भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान प्रकट किया। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU और आपका हार्दिक पटेल और आपके वो कन्हैया लाल है जो हमेशा भारत मुर्दाबाद के ही नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये एक प्रकार से भारत सरकार के प्रति घृणा और अवमान है। तो ये है लिखित में करे, शब्दों में करे या संकेतों में करे, उस कंडीशन में यदि भारत सरकार के प्रति यदि घृणा या अवमान करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास या 3 साल की सजा है। प्रावधान है लेकिन होता नहीं है, आप सभी को मालूम है राजनीतिक दल में बटे हुआ है भारत, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये सारे चीज़ें यहीं केवल लिखे हुए ही केवल शब्दों में लिखे हुए बस है। ठीक, नेक्स्ट है आपका राजबंदी या युद्धबंदी। राजबंदी या युद्धबंदी, राजबंदी मतलब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, भारत के किसी पाकिस्तान के किसी सैनिक को आपने कैद कर लिया या कोई आतंकवादी है, आतंकवादी जैसे कसाब इंडिया में आया उसे आपने कैद कर लिया तो ये क्या है आपका राजबंदी है या तो लोकबंदी है। पाकिस्तान की सेना को भी आपने कैद किया तो वो हो गया आपका युद्धबंदी, कसाब वो हो गया आपका राजबंदी। ठीक, लेकिन अब कोई लोकसेवक, लोकसेवक मतलब कोई पुलिस हो गया या कोई सेना का कोई व्यक्ति हो गया, वो स्वेच्छा से या लापरवाही से इस युद्धबंदी या राजबंदी को भागने देता है, ठीक, या तो वो लापरवाही करेगा, उसकी लापरवाही के कारण वो जेल तोड़ के भाग गया, या स्वेच्छा से उसकी भागने पे वो मदद करता है तो उस कंडीशन पर 128 के अंतर्गत यदि वो स्वेच्छा से उसे भागने की देता है तो उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, और धारा 129 के अंतर्गत इसकी लापरवाही से यदि वह भागता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, समझिएगा। नेक्स्ट अध्याय 7 जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस संहिता के बहुत से उपबंद आपके सैन्य, नौसेना, वायुसेना इसमें एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक, तो देखिए सेना, नौसेना, वायुसेना ने कि अपने किसी अफसर, सैनिक या नौसैनिक को अभित्यजित कर दिया, अभित्यजन कर दिया यानी उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। मान लीजिए किसी सैनिक, नौसैनिक या किसी अफसर ने किसी भी मतलब कोई एक अपराध किया है तो अपराध किए जाने की स्थिति में उसका कोर्ट मार्शल कर दिया और वह अफसर, सैनिक या नौसैनिक भागते भागते अब कोर्ट मार्शल किया है लेकिन कुछ ना कुछ सजा का मार्शल लॉ के अंतर्गत उस पर भी कोई ना कोई सजा का प्रावधान है। किस पर है? लेकिन वो सैनिक पर है। अब वो जो है
आपकी सेना, नौसेना या वायुसेना अपने ही सैनिक को सजा देना चाहती है, लेकिन वो सैनिक का अभित्यजन कर दी, अब वह सैनिक इधर उधर छुपता फिर रहा है। तो जो आपके सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा जो अभित्यजित अफसर सैनिक या नौसैनिक है, उसे यदि आप संश्रय या शरण देते या उसे छुपाते हैं, ठीक, किसे अफसर सैनिक या नौसैनिक को आप छुपाते हैं, उसे संश्रय देते हैं, उसे आश्रय देते हैं, तो उस कंडीशन पर आप पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मतलब यदि आपको मालूम है कि उस सैनिक को कोई केस चल रहा है, मतलब मार्शल लॉ के अंतर्गत उस पर कोई केस चल रहा है, उसको उसका आप कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, अभित्यजन कर दिया गया है, उसके बाद भी आप उसे छुपा करके रखते हैं, तो इस कंडीशन पर आप पर इस दंड संहिता के अंतर्गत आप पर 2 साल की सजा हो सकती है। सजा सैनिकों को नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सैनिकों को जो सजा है वो कोर्ट मार्शल के अंतर्गत या मार्शल लॉ के अंतर्गत होता है, उस पर भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू नहीं होते। ये सजा आपके लिए है क्योंकि आपने उसे छुपा करके रखा, ठीक। तो ये बताया गया है आपके सेक्शन 136 के अंतर्गत, ठीक। इसमें ये भी बताया गया है कि पत्नी, ये जो आपके अफसर सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक की जो पत्नियां हैं, यदि वो अपने पति को छुपा करके रखती है, तो उन पर इस आपके जो आपका ये है अध्याय 7 भारतीय दंड संहिता के अध्याय 7 के उपबंध पत्नियों पर लागू नहीं होंगे, ठीक। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा बना, काफ़ी तेज़ी से मैंने बताया, बीच में हो सकता है, देखिए ऐसे ही अगर स्पीड से बताऊंगा थोड़ा बहुत जवान लड़खड़ाता है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो ऐसे ही फास्ट आएंगे, समय कम है, रेगुलर बेसिस से वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।